प्रदेश में आज 131 नया कोरोना संक्रमित मिलबा रहे साथ हैं। इनो आंकड़ों बढ़कर पुग्यो 6146। इन बीमारी से अब तक 150 लोगों की हुई मौत। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीज री रिकवरी दर पुगी 75% माथे। जिला में 1110 पॉजिटिव लोग माए 100 इलाज रे पाचे 829 लोग हुआ स्वस्थ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों ने प्रदेश में बिजली री छिजत कम करबारा दिना निर्देश। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव ने टिड्डी नियंत्रण खातर ठोस कदम उठाबा खातर कहो। पाकिस्तान कनीसवाया टिड्डियारो दल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा में दी दस्तक। दौसा जिला रा अलूदा अलहाड़ी राबास खातिर माया टिड्डियारो दल करियो हमलो। कृषि विभाग जुटियो टिड्डी ने नष्ट करबा माए। और भाजपा कोरोना महामारी में प्रदेश की कांग्रेस सरकार माथे ऊंची राजनीति करबारो लगायो आरोप। कया प्रवासी मजदूरा रा मामला माए आपरी कमिया छुपाबा खातर कांग्रेस यूपी और रेल मंत्रालय माथे उठारी ले सवाल। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। अब समाचार विगतवार। प्रदेश में अब ताई 3422 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रह पाछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें सु 3041 ने सफाखाना सु छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बतायो कि आज प्रदेश में 131 नया संक्रमित मरीज सामने आया। इनमें डूंगरपुर में 33, जालौर में 22, उदयपुर में 13, जयपुर में 10, नागौर माए 8, राजसमंद और सिरोही माए 7-7, बीकानेर माए 6, अलवर और सीकर माए 4-4, जोधपुर माए 3, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर और कोटा माए 2-2, झालावाड़ माए 1 पॉजिटिव मिला। इनके साथ ही प्रदेश माए इनरो आंकड़ों बढ़कर 6146 माथे पुग्यो है। मणा बताया कि प्रदेश माए अब तक इन बीमारी से 150 लोगों की मौत हो चुकी है। वठे ही कोरोना संक्रमण री चपेट माए प्रदेश रा अब तक 32 जिला आ चुकिया है। काल श्रीगंगानगर माए भी पहलो मरीज सामने आयो। पूरे राजस्थान में पूरी ब्यूरोक्रेसी युद्ध स्तर पे और उनके साथ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सब लोग एक समन्वय के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन फैसिलिटीज राजस्थान में कैसे डेवलप हो ताकि 14 दिन का आइसोलेशन अगर हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं तो ये जो पॉजिटिव केस अगर आ भी गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जोधपुर माए पूरा देश का मुकाबला माए कोरोना संक्रमण ले रहे रिकवरी दी दर 75% है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित बताया कि पूरा देश माए कोरोना री रिकवरी दर 38% है। वणा किया कि जोधपुर माए 1110 पॉजिटिव लोगा माए सु 829 ठीक हो चुकिया है। इनरे साथ ही इन बीमारी री मृत्यु दर 1.6% है जो दूजा क्षेत्रा रे मुकाबले काफी कम है। वणा बताया कि कोरोना संक्रमण ने ले जोधपुर जिला प्रशासन समेत दूजा महकमा पूरी तरह सतर्क है। मेहनत के बदौलत ये संभव हो पाया कि आज राष्ट्र की रिकवरी रेट 38% है और जोधपुर के 75% है और अभी जो भी बाकी केस हैं वो भी कोई क्रिटिकल स्टेज पर नहीं है। तो ये दुगने रिकवरी रेट ये केवल और केवल जोधपुर के हमारे कोरोना वायरस हैं सभी जोधपुरवासी उनकी वजह से संभव हो पाए। तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन जैसे जैसे रिलैक्स हुआ है वैसे वैसे जोधपुर की क्षमता चाहे सैंपल की हो टेस्टिंग की हो या इलाज की फैसिलिटी की हो ये लगातार बढ़ी है। कोरोना महामारी ने खत्म करबा खातर देश और दुनिया रा विशेषज्ञ जुटिया होया है। इनी कड़ी में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कनी सूबी इन बीमारी ने ले शोध करियो जारियो है। इन खातिर ICMR देश रा 21 जिला रो चयन करियो है जिनमें राजस्थान रा दौसा जालौर और राजसमंद शामिल है। इन जिला रा चिन्हित गाँव में रैंडम आधार माथे जीरो सर्वेलेंस खातर सैंपल लिया जा रहा है। इनरे तहत जिला रा सिकराय उपखंड क्षेत्र में ICMR टीम सैंपल लियो। हमारे जिले में ICMR की टीम आई हुई है वो कल आई थी। इन लोगों ने 21 जिलों में 60 जिलों को सेलेक्ट किया है रेंडमली सेलेक्शन किया है। उसमें हमारे राजस्थान से 3 जिले सेलेक्ट हुए राजसमंद जालौर और दौसा। उसमें दौसा जिले में टीम आई हुई है कल से
और वो उनके द्वारा सीरो सर्वेलेंस के लिए ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं, उसमें जो इम्यूनिटी का पता लगा रहे हैं कि एंटीबॉडी डाइट्री कोरोना के रूप में कितनी है। ये सैंपल लेके हमारे 400 सैंपल लेंगे टोटल। चिकित्सा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान कनीसो तैयार कराया गया इम्यूनिटी बूस्टरी 35,000 बोतल वितरण खातर जारी करी। डॉक्टर शर्मा कया कि कोरोना संक्रमण री रोकथाम री दृष्टि सु इम्यूनिटी बूस्टर रो खास उपयोग है। मणा कया कि आयुर्वेद समेत भारतीय चिकित्सा पद्धति माए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर बारी अपार क्षमता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश गांव ढाणिया ताए कोरोना रा बढ़ता कदमा ने रोकबा खातर प्रवासिया ने क्वारंटीन माए 14 दिन रो टैम बिताणो जरूरी है। इन पीरियड रो उल्लंघन खुद आपरा परिवार गांव समाज राज्य और देश खातर घातक वह सके है। राजस्थान में जिन्होंने हमारे पोर्टल पर रजिस्टर किया है वो तो करीब 8 लाख लोगों के आने की सूचना है बाहर से, दूसरे प्रांतों से, चाहे वो प्रवासी राजस्थानी हों चाहे हमारे माइग्रेंट लेबर्स हों, और उनमें से करीब 7 लाख 25 हज़ार लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है और करीब 34,000 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में अलग अलग जिलों में रखा गया है। 950 के करीब पॉजिटिव केसेस 17 जिलों के अंदर से आए हैं जहाँ ये प्रवासी आए हैं अलग अलग गाँव के अंदर। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एग्जैक्ट संख्या जो सूचित करके आए हैं या सूचित करके नहीं भी आए हैं उन लोगों की एग्जैक्ट संख्या गांव के तौर पे ही हमको बता दी जाए और ये एंश्योर किया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि वो लोग होम क्वारंटाइन में हैं या संस्थागत क्वारंटाइन में उनको रखा जाए। जो लोग होम क्वारंटाइन का की पालना में अनुशासन को तोड़ेंगे उनके लिए कहा गया है कि उनको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैकिंग सिस्टम है मोबाइल नंबर जब हम उनका ले लेते हैं उनके मूवमेंट का पता भी हमारे पास रहता है। तो ये जो 14 दिन का होम क्वारंटाइन है बराए मेहरबानी इस बात को सुनिश्चित करें वो आने वाले लोग भी, क्योंकि राजस्थान बचा हुआ है, अभी ग्रामीण इलाका हमारा बचा हुआ है, गांव बचे हैं, वो आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन राज्य के हित में उनके खुद के हित में गाँव के हित में ये है कि 14 दिन का क्वारंटाइन अनुशासित तरीके से वो इसकी पालना करें ताकि ये जो इसका फैलाव है संक्रमण का वो ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश श्री बिजली कंपनियां रा चौखा संचालन खातर प्रसारण और वितरण माए होबा वाली छिजत ने कम कर बारा निर्देश दिया है। वणा क्या हर फीडर माथे अधिकारिया और कर्मचारिया री जिम्मेदारी तय करी जावे, साथ ही कंपनियां री वित्तीय कुशलता खातर एक प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम बनायो जावे। मुख्यमंत्री काल जयपुर माए वीडियो कॉन्फ्रेंस रे जरिए बिजली कंपनियां री समीक्षा कीनी। बैठक माए ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला समेत विभाग रा कई अधिकारी मौजूद रिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में टिड्डी रा बढ़ता प्रकोप ने देखता थका मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने निर्देश दिया कि इन संबंध में प्रभावी कार्य योजना तैयार करी जावे। बड़ा चिंता व्यक्त करता थका गया कि लाडला बरस भी टिड्डिया रे कारण किसानों घणो नुकसान उठानो पड़ियो हो, इन बार इन प्रकोप न कम करबा खातर ठोस कदम उठाया जावे। पाकिस्तान कानी सुआयो टिड्डिया रो दल प्रदेश का पूर्वी हिस्सा माए भी दस्तक दे दी है। इनरा चालसा दौसा जिला रा आलूदा और लहाड़ी का बास क्षेत्र माए टिड्डिया रो दल पड़ाव डाल दियो है। इनरी सूचना मिलता है कृषि विभाग रा अधिकारी इन नियंत्रण करबा माए जुट गया है। कृषि विभाग री टीम 30 ट्रैक्टर और 5 फायर ब्रिगेड री मदद सु कीटनाशक रो छिड़काव करर इन टिड्डिया ने नष्ट पा करबा माए जुटी हुई है। कल शाम से टिड्डियों का आक्रमण हो गया था, इसको लेकर के इनका जो रात्रि पड़ाव था आज दौसा जिले के अड़ौदा गांव में था और पूरे जिले के आला अधिकारी और हमारे खंड स्तर के श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि के निर्देशन में पूरे विभाग के अधिकारियों द्वारा रात्रि में यहां मिलकर के और टिड्डियों के नियंत्रण के लिए 30 ट्रैक्टरों से पावर स्प्रेयरों से यहाँ कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया गया है। साथ ही फायर ब्रिगेड की जो मशीनें हैं उनके माध्यम से भी यहाँ कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे किया गया है। बादली के टाइम पर आ जाती तो सारा चट कर जाती है। अब भी ये पेड़ों को जो भी खेतों में फसल उग रही है उनको सबको चट करके आएगी, नुकसान करेगी बहुत।
भारतीय जनता पार्टी कोरोना महामारी में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार माथी ओछी राजनीति करबारो आरोप लगाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया किया कि प्रवासी मजदूरारा मामला में आपरी खामिया ने छुपावा खातर कांग्रेस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और रेल मंत्रालय माथे सवाल खड़ो कर रिया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कहो के केंद्र सरकार कनी सुजारी आर्थिक पैकेज रो लाभ राजस्थान रा उद्योगपति और किसाना ने भी मिले लो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ प्रदेश माए प्रवासी मजदूरा ने राहत पुगावा खातर राज्य सरकार कनी सुकरिया जारिया प्रयास ने विफल बताता थका उन माथे सवाल खड़ा करिया। जिस तरीके से भरतपुर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बसों को लाने का नजारा हुआ वो आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बसें खाली खड़ी हैं। मजदूर बहुत अरसे से इंतजार करके ट्रकों में या पैदल अपने अपने गंतव्य को निकल सके हैं, लेकिन या तो उत्तर प्रदेश की सरकार पर तोहमत दिखाते हैं या कभी रेलवे के मंत्रालय पर सवाल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरीके की सियासत कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू की। कोरोना के प्रबंधन में विफल हुए, राजस्थान के अनेक जनहित के मुद्दों का समाधान करने में विफल हुए। प्रवासी राजस्थानी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि 4000 बसें आएंगी वो और उनको लेके जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं राजस्थान को क्या मिला राजस्थान, तो ये जो MSME का जो जितने भी छोटे उद्योग हैं इनका दायरा भी उन्होंने बढ़ाया है और 100 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले कारखानों को भी इसमें लिया है। क्या राजस्थान में इस प्रकार के कारखाने नहीं हैं जिनको इस प्रकार की मदद मिलकर खड़े होंगे? क्या राजस्थान में किसान नहीं है जहाँ किसान को 2,00,000 करोड़ रुपये का पैकेज दे करके उन्होंने उनको आधार ये जो किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर जो किसान को मिलेगा उससे नहीं मिलेगा है ना? राजस्थान को जो ओवरड्राफ्ट की जो सीमा थी वो केवल 14 दिन की थी, उसकी जगह उन्होंने उसको 21 दिन की है। राजस्थान को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पहले GDP का 3% जो है वो आप कर्ज ले सकते थे और आपकी ये मांग थी, तो GDP को उन्होंने 5% कर लिया। उसके कारण से संपूर्ण देश में है ना 4,82,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण जो है वो लिया जा सकेगा। राजस्थान का प्रवासी श्रमिक जो राजस्थान में आया है 90% लुटपिट कर आया है, स्वयं के संसाधनों से आया है और यहाँ आने पर राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार की स्क्रीनिंग उनकी करनी चाहिए थी वो नहीं की और इसी कारण से कोरोना वैश्विक महामारी फैलती जा रही है। राजस्थान की सरकार ने जो मजदूर जैसी श्रेणी के 26 प्रकार की कैटेगरी के लोग थे उनकी मदद के लिए जो सर्वे प्रारंभ करने की बात की, जिस सर्वे को आज ग्रामीण क्षेत्र में समाप्त होना था, 25 तारीख को शहरी क्षेत्र में प्रारंभ होना था, दुर्भाग्य है कि आज उस सर्वे का ऐप पोर्टल और किसी प्रकार की तैयारी सरकार की नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरा ने राहत देबा और वाड़ा ने दूसरा राजस्व लाइबा और उनरा गंतव्य ताई पुगाबा माए विफल रियो है। वन कया के राज्य सरकार किणी भी तरीका सु प्रवासी मजदूरा ने राहत पुगावा खातर प्रतिबद्ध नजर नहीं आ रही। ओछी राजनीति करी है और क्योंकि ये मजदूर तो एक महीने से राजस्थान की सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार को सुध नहीं आई और उल्टे ये कहा कि हम 4000 बसें लगा के बाहर से प्रवासी राजस्थानियों को लाएंगे, न उनको ला पाए न इनको बेच पाए। फिर ट्रेन्स की डिमांड करी, उसमें भी सफल नहीं हुए। अभी दूसरे प्रदेशों ने 500-600 इतनी ट्रेन की डिमांड कर ली, राजस्थान की ट्रेन का आंकड़ा केवल 2.5 तक है और इसलिए राजस्थान की सरकार की किसी तरीके से प्रतिबद्धता दिखती नहीं है, वो केवल सियासत कर रही है। और ऐसी वैश्विक महामारी के तौर पर जब भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे तरीके से प्रबंधन किया, लेकिन राजस्थान की सरकार अपनी नाकामियों को ढकने के लिए इस तरीके की नौटंकी कर रही है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन रे पाछे प्रदेश का किन्नर समाज रे सामे भी रोजी रोटी रो संकट खड़ो हो गयो है। राज्य में बरस 2018 में ट्रांसजेंडर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम रा लाभार्थियों की सूची में शामिल करियो गयो है, पर समुदाय रा ज्यादातर लोगा रे कने आपरो कोई पहचान पत्र नहीं हुबासु वड़ा ने इनरो लाभ नहीं मिल पा रिया है। 2011 री जनगणना रे अनुसार राज्य में ट्रांसजेंडर की संख्या 16,500 है। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान किन्नर अखाड़ा कनीसु जयपुर शहर में किन्नर समाज रा 350 लोगा ने एक महीना तय राशन और आवश्यक सामग्री पुगाई गई।
हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता राजस्थान के नरखाड़ारी पीठाधीश और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड री सदस्य पुष्पा भाई लॉकडाउन के दौरान सबसे मुश्किल परिस्थितियां बनी किन्नर समुदाय के सामने। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में लगभग 5,000 किन्नर समुदाय के लोग हैं। इन लोगों तक किस तरह राशन पहुंचा, किस तरह उन लोगों की मदद की गई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजस्थान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पुष्पा जी। पुष्पा जी, किस तरह आप लोगों ने कोरोना के संकट के समय इन लोगों की मदद की? नमस्कार, जय श्री महाकाल। कोरोना की स्थिति में अभी जो हमारे समाज के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि समाज की सरकार की तरफ से कहीं भी गाइडलाइन में ट्रांसजेंडर लोगों ने जब हमने कॉल किया बोला कोई भी ले सकता है, कोई पर उसमें कहीं पे भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं, जैसे सरकार ने कहीं रिलीफ फंड्स निकाले या कई पैकेजेस निकाले तो वहाँ ट्रांसजेंडर लोग कहीं पर इंक्लूड नहीं थे। तो ये समस्या का सबसे बड़ा घड़ी थी हमारे लिए। तो हमने बड़े चिंता का विषय था, हमने 2-3 दिन उसको सोचा कैसे उसको एनालाइज करके काम किया जाए। फिर हमने सरकार से बात करी रिलीफ फंड से, मैंने कहा कि राशन हमारे समाज तक पहुंच पाए, पर वो कहीं प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही थी। इस बीच में मुझे मेरे लिंकेजेस हम लोग के एक्शन एड के साथ जुड़ाव था, तो हमने वहाँ पर एक मेल डाला कि हमें इस तरह का हमें कमिटीज़ के लिए प्रॉब्लम सही चाहिए। तो वो एग्री होने में वैसे तो हमारा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, पर पुष्पा जी फिर भी हम देखते हैं, आप हमें मेल डाली है। और हमने जब मेल डाला तो उन्होंने एकदम से हमको चीज़ के लिए सपोर्ट के रेडी किया और हम लोगों ने वो, पर हमने सबसे बड़ी चीज़ की हमने कहीं ऐसा समाज को ये नहीं कहा कि आके ले जाइए। हमने डोर स्टेप तक हमारे कम्युनिटीज़ का जैसे जैसे कॉल आने लगे लिस्ट बनाया हमने और हमने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करके और वहाँ तक डोर स्टेप तक जा करके उनको राशन एक महीने का जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि ताकि मेरा समाज एक महीने तक घर में सेफ रहे। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ट्रांसजेंडर को जोड़ा गया है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल इनके सामने है कि इनके पास आईडी कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है। अभी तक आईडी कार्ड बहुत कम लोगों का बना है। तो खाद्य सुरक्षा में किस तरह कितने लोगों को राशन मिल पाया, नहीं मिल पाया, तो क्यों नहीं मिल पाया? खाद्य सुरक्षा NFSI योजना में एकल महिला योजना में 2018 के अंदर ट्रांसजेंडर लोग को जोड़ दिया गया था और एक बेसिकली ऑर्डर रिलीज भी हो गया। बस ऑर्डर रिलीज में अभी ट्रांसजेंडर लोग को जोड़ा नहीं गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आई कार्ड की है, तक ट्रांसजेंडर लोग को ऐड नहीं किया गया। तो अभी जो कोरोना 19 में जो रिलीफ फंड के लिए राशन के लिए निःशुल्क राशन के लिए सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर में कहीं भी ट्रांसजेंडर लोग को इंक्लूड नहीं किया। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि जिस तरह का सरकार का हर महीने निःशुल्क राशन का है तो मेरे समाज तक भी निःशुल्क राशन वापस पहुँच, सरकारी तरफ से पहुँचे। ये तो हमने एक पहल नई बोर्ड ने संस्था ने जो मैंने पहल करके हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाया। अब ये चाह रही हूँ कि जो सरकार की योजनाओं में है वो ट्रांसजेंडर लोग वहाँ पर इंक्लूड हो पाए ताकि उनको राशन मिल पाए। कोविड-19 के दौर में किन्नर समुदाय को इन लोगों ने सहायता पहुंचाई और उनकी मदद की। कैमरा सहयोगी कमल योगी के साथ मुरारी गुप्ता, TD न्यूज जयपुर। प्रदेश में लॉकडाउन 4 रे तय, जारी गाइडलाइन रे अनुसार हेयर सलून और ब्यूटी पार्लर ने भी कुछ शर्ता रे साथे खोलबारी छूट दी गई। जयपुर माए अब करीब 50 दिन बाद हेल्थ प्रोटोकॉल री पालना करता हो या सैलून खुलबा लग गया है। अठे वेटिंग एरिया खत्म करबारे साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और कस्टमर डिटेल रख पर जड़ा बदलाव करया गया है। पेश है संवाददाता मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत कुछ सुविधाओं में और रियायत दी गई है। राजधानी के कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के बाहर के इलाकों में हेयर सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स को भी सशर्त अनुमति दी गई है। इस समय हम राजधानी के एक प्रमुख हेयर सैलून में मौजूद है, वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह हेल्थ प्रोटोकॉल्स का जो है ध्यान रखा जा रहा है। मेरे बाई साइड आप देख सकते हैं कि लोग जो काफ़ी दिनों से हेयर सैलून खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों को अब यहाँ कुछ राहत मिली है और यहाँ इस तरह की सेवाएं देने वाले लोग पूरी तरह PPE किट पहनकर और हाथों में ग्लव्स लगाकर, मुंह पर चेहरे पर फेस शील्ड लगाकर, चश्मा पहनकर, यहाँ तक कि उन्होंने पैरों में भी जो है किसी तरह का संक्रमण नहीं फैले इसके लिए पूरी तरह उनको कवर कर किए हुए है। इसके साथ ही यहाँ जितने भी सौंदर्य प्रसाधन में काम आने वाले इक्विपमेंट हैं उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तरह से जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन हम लोग सबसे पहले जब भी कोई कस्टमर आ रहे हैं तो उनको गेट पर ही कंप्लीट उनका बॉडी सैनिटाइजेशन हो रहा है, उसके बाद में शू कवर दिए जा रहे हैं, ग्लव्स दिए जा रहे हैं, उनको हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है।
फिर आने के बाद में कंप्लीट उनका जो भी ड्रेस वगैरह है वो सारा उनको डिस्पोजेबल प्रोवाइड किया जा रहा है। टेम्परेचर जो है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से वो लिया जा रहा है। उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस और उनका नाम एक अलग से रजिस्टर है जिसमें हम मेंशन कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं जितने भी मेरा स्टाफ है वो सब पीपीई किट में कम्प्लीटली पैक एंड कवर होकर काम कर रहा है। कोशिश यही है हमारी, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 30-40% स्टाफ के साथ काम करो, हम वैसे ही कर रहे हैं। और एक बार में जैसे मेरे सैलून में 10 चेयर्स का सैलून है तो हम सिर्फ दो ही कस्टमर अटेंड कर रहे हैं। पूरी तरह से नए बदलाव के साथ सैलून्स को खोला गया है। जयपुर से मनीष कुमार शर्मा, डीडी न्यूज़। राजधानी जयपुर में लॉकडाउन फेज 4 रहता कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से बाहर आए इलाका माए कई तैयारी सहूलियत राज्य सरकार दी है। अब 8 शॉपिंग मॉल्स माए कार्यालय खुलबारी छूट भी दे दी गई है। इंद्रे पाचे जयपुर माए कई मॉल्स माए ऑफिस खुल गया है और कामकाज शुरू हो चुकियो है। हालांकि शॉपिंग मॉल माए दुकाना खुलबारी पाबंदी पहले भी तरह लागू है। हमने आज पूरे 60 दिन के बाद में ऑफिस खोला है आज ही, और धीरे धीरे अब काम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टाफ को अभी बुलाया नहीं है क्योंकि स्टाफ बाहर चला गया, कुछ बाहर के थे लोग, तो अभी एक दो दिन में सबको नॉर्मलाइज करके बुलाएंगे और पूरा ऑफिस को सैनिटाइज किया। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका हम पूरा 100% हमने पालन किया है। प्रोसीजर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका हम फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। ये देखिए सैनिटाइजेशन इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है हमारे पास में, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। नहीं सर, स्टाफ तो अभी कुछ तो बाहर चला गया तो है ही नहीं अभी, और कुछ एक दो लोग हैं तो उनको अभी बुलाना शुरू नहीं किया है। एक दो दिन में जब ये काम रूटीन में आ जाएगा तो उसके बाद बुलाना शुरू करेंगे सर स्टाफ को। सीकर जिला रे कने कोलीड़ा गावरा युवा पहल करता थका दौलाड़ा बाई भीड़ माए पकोड़ा जोहड़ारी सफाई रो काम शुरू करिया है। इन प्राचीन विरासत रा संरक्षण खातर युवा रोजीना 2 घंटा श्रमदान कर रिया है। इन दौरान जोहड़ा माए कई साला सू बरसात रा पानी रह साते बाहर आयो पानी और खरपतवार ने निकलियो जा रियो है। लॉकडाउन के साथ ही ग्राम कोलीड़ा के युवाओं ने कुछ सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधि करने की सोची। लॉकडाउन पार्ट फर्स्ट में युवाओं ने कोलीड़ा लोक कल्याण समिति गठित करके और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन, इसी तरह पार्ट सेकंड में पेड़ों को पानी देना और परिंडे लगाना, पार्ट थर्ड में ब्लड डोनेशन कैंप, और ये जो लॉकडाउन का पार्ट फोर्थ है इसमें युवाओं ने सोचा कि हमारी जो पुरानी पुरातत्व और सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर को, पुरानी हमारी सार्वजनिक संपत्तियों का रख रखाव कैसे किया जाए। कोरोना महामारी और लॉकडाउन रे चलता नागौर जिला माए बाहरी राज्य रा प्रवासी मजदूरा ने उनरा गंतव्य ताई पुगाबा रो काम जारी है। राज्य सरकार निर्देशानुसार इन श्रमिका ने विशेष ट्रेना सु उनरा गृह राज्य भेजो जारी है। इन्हीं कड़ी माए कल जिलारी न्यारी न्यारी जगह सु पश्चिम बंगाल सु 199 मजदूरा ने जिला प्रशासन श्रमिक स्पेशल ट्रेन रे जरिए दुर्गापुर जंक्शन खाते रवाना करियो। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रो पूरो ध्यान रखियो गयो। 1290 लेबर्स ने करवाया था, लेकिन प्रैक्टिकली जब फाइनली जब हम सब ने फोन कर करके 100 को बुलवाया तो कुल 1199 लोग हैं जो आज यहाँ पहुँचे हैं जाने के लिए, और उन सबको रवाना कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल के लिए दुर्गापुर ये ट्रेन जाएगी और वहाँ से फिर इन सबको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनके अपने अपने स्थानों के लिए रवाना करेगी। प्रदेश रा दारुल अलूम इसहाकिया रा मुफ्ती ए राजस्थान मौलाना शेर मोहम्मद खान रिजवी कोरोना संक्रमण ने देखता थका ईद उल फितर री नमाज घरा मा ही पढ़बारी अपील करी है। तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम मस्जिदों के इमामों से, तमाम शहर के काजी साहिबान से और इस दारुल के फाजिल दारुल इसहाकिया के उलमा जिन जिन खितों में इमामत करते हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मेहरबानी करके हालात की नज़ाकत को देखते हुए कोरोना वायरस के आने वाले तूफान से बचने के लिए अपने वतन को बचाना, अपने भाइयों को बचाना, अपने पड़ोसियों को बचाने की खातिर मेहरबानी फरमा करके ईद उल फितर की नमाज आप नफिल की शक्ल में अपने घरों पे पढ़ें।
जयपुरी जामा मस्जिद रा इमाम मुफ्ती अमजद मुस्लिम समाज रा लोगा सु कोरोना महामारी ने देखता थका इन बार जुम्मा तुल विदारी रमाज घरा माए पड़बारी अपील करी है। वड़ा क्या कि इन बीमारी ने खत्म कर बारी दुआ मांगे और घरा माँ ही रह सरकार और प्रशासन रो सहयोग करे। इस वक्त में मजबूरी है हमारी, कानून का पास रखना और कानून को निभाना ये एक अच्छा शहरी और एक वफादार शहरी होने की अलामत है। लिहाजा इस वक्त में हम लोग कानून की रियायत रखें और जिस तरह गुज़श्ता 3 जुमे हम जामे मस्जिद को न आकर अपने घरों में अदा करते हुए आए हैं, इसी तरह जुमतुल वदा भी हमें अपने घरों में अदा करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आइंदा हमारे लिए मस्जिदों में आना और अल्लाह के घर को देखना और उसमें इबादत करना अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए। जयपुरा कानोता क्षेत्र में प्रवासी मजदूरा खातिर बनिया शेल्टर होम मायरिया यूपी बिहार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रा श्रमिकारो कई जरिया सु मनोरंजन करायो जा रियो है। इनी कड़ी में 8 एसडीएम बस से 3 एलईडी टीवी लगवाया है जिन माथे मजदूरा री पसंदीदा भोजपुरी फिल्म और बॉलीवुड रा गाना दिखाया जा रिया है। जयपुर जिला री बस्सी कृषि उपज मंडी में आज सु जिंसा री खरीद शुरू हो गई है। लाड़ला दिना राज्य सरकार कानी सूदो प्रतिशत कृषक कल्याण शुल्क लगाबारा विरोध माए मंडी व्यापारी हड़ताल कर दी है जिनरे कारण 8 फसलारी खरीद रो काम रुकियो पड़ियो है। मंडी शुरू होबा से माथे ही क्षेत्र रा किसान गेहूं चना और सरसोरी फसल बेचबा खातिर आ रिया है। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग री पालना रे साथ सैनिटाइजर और मास्क रो उपयोग करियो जा रियो है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार महका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके है और खबरारा अपडेट खातर वहां का ट्विटर हैंडल @DDNewsRajasthan ने भी फॉलो कर सके हैं। इनरे साथे ही खास समाचार एक बार फिर प्रदेश में आज 131 नया कोरोना संक्रमित मिल बारे माथे इन रो आंकड़ो बढ़ पुग्यो 6146 इन बीमारी सु अब तक 150 लोगारी हुई मौत। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजारी रिकवरी दर पुगी 75%। माथे जिला में 1110 पॉजिटिव लोगा माए सु इलाज रे पाछे 829 लोग हुया स्वस्थ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकारियों ने प्रदेश में बिजली री छीजत कम करबारा दिना दिए निर्देश। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव ने टिड्डी नियंत्रण खातर ठोस कदम उठावा खातर कियो। पाकिस्तान का निस्वाया टिड्डी रो दल प्रदेश रा पूर्वी हिस्सा में दी दस्तक। दौसा जिला रा आलूदा और लहाड़ी रा बास खेतर माए टिड्डिया रो दल करियो हमलो। कृषि विभाग जुटियो टिड्डी ने नष्ट करबा माए। और भाजपा कोरोना महामारी में प्रदेश की कांग्रेस सरकार माथे ऊंची राजनीति करवारो लगायो आरोप। कया प्रवासी मजदूरा रा मामला माए आपरी कमियां छुपा बाबा खातर कांग्रेस यूपी और रेल मंत्रालय माथे उठा रही है सवाल। राजस्थानी समाचार माए अथरोही नमस्कार।